तो गाइस यार वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। आज अपन लोग फिर से आ चुके हैं भाई साहब कार फॉर सेल के एक ब्रांड न्यू गेम के साथ, और वो भी मोबाइल में। मतलब कह सकते हैं मोबाइल वाला वर्जन इतना खतरनाक होने वाला है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलो यार खेल के रिव्यू देना स्टार्ट करते हैं। आपकी वीडियो में मज़ा बहुत आने वाला है, और ये देख सकते हो भाई अपना ऑफिस कितना खतरनाक ऑफिस है। और कार फॉर सेल, चलो इसका नाम भी अपन लोग जल्दी चेंज करने वाले हैं। और यहाँ पे अपन लोग ढेर सारी गाड़ियाँ ला के बेचेंगे और भाई साहब रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। 25 दिन में पैसा डबल भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अपन लोग फिलहाल को इसका नेम चेंज करते हैं, और अपन लोग इसका नेम यार क्रिएटर मोटर ही रखने वाले हैं, क्रिएटर मोटर्स। और $10 अपने लगने वाले हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, पैसा बहुत अपने पास। $9,000 पड़े हुए हैं, ये कब काम आएंगे। तो फिलहाल को एक सेकंड भाई, CR80R और S नहीं लगाते हैं, क्रिएटर मोटर्स रखें मेरे ख्याल से, वो बेटर लगता है। एक सेकंड भाई, स्पेस क्या पीछे हो जा भाई, और क्रिएटर और मोटर्स नाम अपन लोग रख लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट नाम अपना हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत यार इस बाउंड्री में भी रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो अपन लोग ऐसे नल्ले बिजनेसमैन लगेंगे, जो कि अपन लोग बिल्कुल नहीं है, ये आज साबित करके रहेंगे भाई। तो चलो भाई, ये वाला नाम काफ़ी ठीक लग रहा है। और अब टाइम आ चुका अपनी पहली गाड़ी खरीदने का, देखते इतने पैसों में किस टाइप तक या किस लेवल तक की गाड़ी आ सकती है। बाकी अपने ऑफिस का सामान कोई चुरा ना ले जाए, इसलिए अपन लोग दरवाज़ा बंद करके भी जा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ चुराने वाला है नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल को अभी अपने को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ये फास्ट ट्रैवल पता नहीं क्या क्या कह रहा है, अपने को सब पता है। और यहाँ पे रिपेयर वगैरह होती है, पेंटिंग वगैरह होती है, मतलब गेम में यार काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं कार फॉर सेल PC वाले गेम की। तो खेल के भी देखते हैं, और अभी तक जैसा मुझे लग रहा है कंट्रोल भी काफ़ी ठीक ठाक है भाई साहब मोबाइल के हिसाब से, आप लोग ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। और ये देखो भाई साहब गाड़ियाँ इसमें इतनी सिमिलर है, देखते बता सकते हो कि ये सुपर है भाई, और कोशिश करेंगे इसको लेने की। अरे ट्यूटोरियल, अरे हमें सिखा रही है क्या भाई, ट्यूटोरियल हटाओ इसको, ट्यूटोरियल को यार सब आता हमें, इतने बड़े गेमर को सिखा रही है कौन है भाई, समझते हो ना भाई। और बाकी ये क्या भाई, इतने पैसे नहीं है, निकल यहाँ से चल। और बाकी ये वाला डब्बा खरीद के देखते हैं, क्या पता ये अपने बजट में आ सकता भाई, वरना 55,000 रुपये कहाँ है अपने पास, लोन ले लें अपना ऑफिस बेच दे तो भी नहीं होंगे। और अबे क्या हो रहा है, ये कितने पैसे में, अरे 11,000 तो नहीं आंटी जी, ऐसा तो बात नहीं बनेगा। अपने को चाहिए कोई सस्ती सी 5,000 रुपये तक की गाड़ी, जिसको बेच के अपन लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। और ये वाली गाड़ी आएगी तो नहीं, लेकिन पूछने में अपना क्या ही जाता है, चलो चेक करते हैं। और क्या बोलने वाले, 22,000 रुपये, तेरा दिमाग ख़राब हो चुका भाई, 1,000 रुपये की गाड़ी होती है क्या कोई। खैर एक और सुपरा, इसका तो यार अपने को प्राइस पूछने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी हक नहीं है। तो अपन लोग कोई सस्ता सा डब्बा देखेंगे, और ये वाली गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही है, पूछ के देख सकते हैं अपन लोग। और अरे 8,000 रुपये ये वाली गाड़ी, 8,000 रुपये, लेकिन 8,000 भी तो नहीं अपने पास, अपन लोग कर भी कह सकते हैं। बाकी गाड़ी ये बहुत सस्ती लग रही थी यार मुझे, मतलब बहुत महंगी लग रही थी देखने में, लेकिन प्राइस सुना तो थोड़ी सस्ती लगी थी, लेकिन ख़रीद तो अपन लोग ये भी नहीं सकते। और ये वाली देखते हैं भाई, 8,000 रुपये होते तो डेफिनेटली अपन लोग वही वाली गाड़ी खरीदते। और ये 2,500 रुपये, ये वाली गाड़ी कुछ ठीक ठाक लग रही है, अपने लेवल की गाड़ी है, तो अपन लोगों ने इसको खरीद लिया। बार्गेन अपन लोग फिलहाल को कर नहीं सकते, अपने पास एक भी स्किल पॉइंट नहीं है, और जब एक स्किल पॉइंट हो जाएगा तो अपन लोग इतनी बार्गेनिंग करेंगे भाई साहब, मज़ा ही आ जाने वाला है। तो फिलहाल को इस गाड़ी को रिपेयर सेंटर पहुँचा देते हैं, और फिर चलते हैं सीधा। अबे क्या हो गया, कार में बैठ सकते हैं ना, बैठ तो सकते हैं, लेकिन फिलहाल को अपन लोग रिपेयर सेंटर ही पहुंचा देते हैं। और अपन लोग यार बस से चले जाएंगे, अपने पास $10 तो है ही। और बाकी ये देखो भाई मस्टैंग यार, क्या गाड़ी लग रही है, ये वाली गाड़ी अपन लोग ले कर रहेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो ज़रूर से ले ही लेंगे मुझे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ कि अपने को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और महंगी बहुत है। फिलहाल को यहाँ से चलने में अपनी भलाई है, चलो भाई। गाइज अपन लोग इधर को आ चुके थे, और ये अपना रिपेयर सेंटर है, और ये वाला देखो भाई साहब कार में कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है, ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं, अपने पैसे बच गए। तो अभी इन पैसों से अपन लोग इसको पेंट वगैरह करवा के और महंगी बेच सकते हैं। तो चलो भाई पेंट देखते हैं इसको किस टाइप का करवाएं, और ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही भाई, चल क्यों नहीं रही अबे। ओहो एक सेकंड भाई साहब, स्टार्ट करना पड़ता है इसको, स्टार्ट करना पड़ता है, अभी चली ना। मतलब यार काफ़ी बेटर गेम है, और मतलब मज़ा आ जाने वाला है खेल के, और तो क्या बताऊँ। बाकी आप लोग ज़रूर से इसको ट्राई कर सकते हो, और कंट्रोल काफ़ी इसके यार
डिसेंट से लग रहे हैं मुझे तो। बाकी फिलहाल को चलते अपन लोग अपनी कार को देखते हैं कैसा पेंट करवाएं। बाकी यार अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपने माइनक्राफ्ट की होने वाली है, वो भी थर्ड एपिसोड होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल का, नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो उसके लिए ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आते ही आपको पता चल जाए। और बाकी देखते हैं अपन लोग इसको कैसा कलर दें, अभी तो देखते हैं जोन साइज के ऊपर बेटर लगने वाला वो दे देंगे। $300 अपने पास पड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नहीं भाई साहब, इसको यार अपन लोग कोई ये वाला कलर, एक सेकंड, इसके पार्ट्स को भी अलग अलग कलर करवा सकते हैं, लेकिन अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते भाई, इतना खर्चा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी एक रंग, मेरे ख्याल से यार ये वाला रंग नहीं, थोड़ा सा डार्क करते हैं और ये वाला करवा देते हैं भाई साहब। काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है और इसको स्मूथनेस मेटालिक वगैरह भी करवा सकते हैं, लेकिन वो जब अपने पास भर भर के पैसा हो जाएगा तब करवाते रहेंगे। फिलहाल को अपन लोगों ने इसकी पेमेंट वगैरह कर दिया, $300 दे दिए। अभी गाड़ी को लेके यहाँ से चलते हैं और देखते हैं अपन लोग इससे कितना पैसा बना सकते हैं, और गाड़ी को अलग अलग एंगल से देख के भाई साहब मज़ा ही आ जाने वाला है। और स्किल पॉइंट अभी तक भी नहीं आए भाई, स्किल पॉइंट अपने को करने पड़ेंगे। और अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया तो चलो चलते हैं। और इसमें तो भाई हैंड ब्रेक भी है, समझ रहे हो किस लेवल की गहन विचारधारा के बाद भाई इस गेम को बनाया गया है। तो एक बार खेलना तो ज़रूर बनता है। बाकी अपन लोग यार और क्या करवा सकते हैं इस वाली शॉप में, यार मेरे ख्याल से रिपेयर किट वगैरह, नंबर प्लेट वगैरह वाला सिस्टम होना चाहिए, देखते हैं इससे बात करके। और गाड़ी तो यार अपनी गाड़ी ही लग रही है, इंजन बंद कर देते हैं भाई साहब, क्योंकि पेट्रोल भी पैसे में आता है इस गेम में। और इतनी किट, हाँ भाई साहब ये वही वाला है, लेकिन यार अभी अपन लोग किट लगवा के करेंगे क्या, क्योंकि रेस तो अपन लोग अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये खटारा सी गाड़ी अपन लोग हार जाएंगे। तो नंबर प्लेट भी अपन लोग क्यों ही चेंज करवाएं अपने को, तो वैसे भी यार ये बेचनी है। तो इस वाली शॉप में जब अपनी कोई पर्सनल गाड़ी हो जाएगी तब आने का फ़ायदा है। और कलर वगैरह ऑलरेडी मेरे ख्याल से चेंज करवा लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन लोग चलते हैं इधर से, जाके इस गाड़ी को सीधा बेच देते हैं। और लाइट्स वगैरह भी कुछ समझ में नहीं आ रही भाई, तो एक काम करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सीधा गाड़ी को उठाते हैं और चलते हैं अपने ऑफिस। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं, और रात होने से पहले अपने को ये वाली गाड़ी बेचनी भी है, क्योंकि कस्टमर मेरे ख्याल से इस गेम में यार 8 बजे तक ही अपने ऑफिस पे आते हैं। तो उससे पहले अपने को गाड़ी बेचनी भी है, कहीं ऐसा ना हो भाई पहले दिन अपन लोग घाटे में रह जाएँ तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिलहाल को चलते हैं, एक सेकंड चला के देखते हैं भाई, अभी स्पीड वगैरह काफ़ी इसकी ठीक ठाक लग रही है। तो फिलहाल को अपन लोग अपने ऑफिस में आ चुके थे और इसको इधर को पार्क कर देते हैं, और जल्दी से भाई साहब इसको यार सेल पे लगा के आपसे मिलते हैं सीधा। तो भाई इसको मैंने यार 7,000 रुपये की सेल पे लगा दिया, देखते हैं अगर इतने में गाड़ी बिक गई तो काफ़ी माला माल अपन लोग हो सकते हैं। और ये कौन है भाई, अच्छा कस्टमर, अरे क्या कह रहा है ये, जस्ट अ मिनट आइल पे, अरे वाह यार ऐसे तेरे जैसे बंदे ही चाहिए भाई, तेरे जैसे ही बंदे बिजनेसमैन को चाहिए होते हैं। फिर से आना कल, और नई गाड़ियाँ मिलेंगी टाटा भाई। तो चलो यार अपन लोगों ने पहले ही दिन गाड़ी बेच के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, और अभी फ़िलहाल को अपन लोग अपने कंटेनर में जाके सोना पड़ेगा ना भाई। हाँ ऑफिस को बंद कर देते हैं और सीधा कंटेनर में मिलते हैं आपसे। और आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो पार्टी भी तो ज़रूर बनती है। तो फिलहाल को यार अपन लोग आ चुके हैं, वो $450, अरे मतलब 4,500 भाई, 450 क्या, इतना अपने को हो चुका है फ़ायदा। तो चलो तो भाई अब अपने को कुछ और ज़बरदस्त गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। अपन लोगों ने वो $2,500 की खरीदी थी मेरे ख्याल से, अब कोई अपन लोग $6,000-7,000 की गाड़ी यार अगर 12,000-13,000 में या फिर कम से कम 15,000 तक और बेच दी तो अपने को भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाने वाला है। तो अपन ऑफिस में आ चुके थे लेकिन ये कचरा कौन फेंक गया पता नहीं भाई, और इसको डस्टबिन में अपन लोग डाल देते हैं। और इससे XP भी मिल रही है अपने को, ये वाली बात बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि XP होगी तभी अपने पास स्किल पॉइंट होंगे, और 50 XP होती है अपने को एक स्किल पॉइंट मिल जाएगा, और फिर अपन लोग बारगेनिंग कर सकते हैं, सस्ती गाड़ियाँ खरीद सकते हैं और महंगे दामों पे बेच सकते हैं। देख रहे हो भाई दिमाग कहाँ तक दौड़ रहा है अपना, और अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल को $11,500 अपनी जेब में है, और अभी ये कौन है भाई, ये हरामी कौन है इस गेम में, और अच्छा भाई साहब कटोरा लेके बैठा है क्या भाई, पैसे नहीं अपने पास, $11,500 है यार, कोई गाड़ी खरीद के तुझे मैं करता हूँ भाई, इसको भी पैसे देने पड़ेंगे यार, अपने जैसा ही गरीब है ये, क्या करें बाकी। और अभी फ़िलहाल कार मार्केट में चलते हैं, वहाँ पे हो सकता है अपने को कोई अच्छी सी गाड़ी मिल ही जाए। तो फिलहाल को यार अपन लोग आ चुके थे कार मार्केट में, और कार मार्केट दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है भाई, और देखते हैं गाड़ियाँ कैसी मिलती हैं। और शुरू में तो अपने को डब्बा दिख गया, लेकिन लैम्बोर्गिनी भाई साहब, लैम्बोर्गिनी और ऑडी तक खड़ी है यहाँ पे, और मस्टैंग
मतलब यार, और ये बुगाटी लग रही है क्या? शायद तो वही हो सकती है, बाकी आप लोग बताना। बाकी गाड़ियाँ देखने में यहाँ पे सस्ती भी अपने को मिल जाएंगी और महंगी से महंगी गाड़ी भी मिल जाएगी, लेकिन एक बार इसका प्राइस पूछने में क्या ही जाता है। अरे इतना ज़्यादा यार, कोई 5-4 हज़ार डॉलर में बेच देना। और इससे पूछ के देखते हैं ये कितने में बेच रहा भाई, ये 37 हज़ार डॉलर। मतलब गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है यार, कुछ भी बोलो। और ये वाली गाड़ी देखते हैं, और ये कितने में बेच रहा है, 10 हज़ार डॉलर में। ये वाली गाड़ी मुझे लगता है यार अपने को ले लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ठीक ठाक लग रही है मुझे। और हो सकता है ये कम से कम यार 25 हज़ार डॉलर की बिक जाए, तो बिल्कुल मुनाफे पे मुनाफा ही हो जाएगा। और बाकी इसको स्टार्ट करके देखते हैं, इसकी आवाज़ भी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है और गाड़ी दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है, तो हो सकता है भाई 25 हज़ार डॉलर की बिक ही जाए। तो फिलहाल को अपन लोग चलते हैं और इसको थोड़ा बहुत दौड़ा के देखते हैं कितनी स्पीड जा सकती है। और काफ़ी पिकअप तो गाड़ी है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और अभी एक दो ड्रिफ्ट वगैरह भी मार के देखें, अरे भाई साहब, लेकिन एक अच्छी सी ट्रिप तो बनती है। लेकिन फिलहाल को अपन लोग यार क्या पता ये डैमेज वगैरह हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। जब अपनी पर्सनल गाड़ी लेंगे तब ड्रिफ्ट पे ड्रिफ्ट मारेंगे। और ये क्या था भाई, पेड़ के आर पार हो गई गाड़ी। मतलब ये क्या है, टार्जन चला रही है क्या इसको भाई? टार्जन गाड़ी की बहन तो नहीं लग रही है रिश्ते में? अगर कुछ ऐसा है तो कमेंट्स में बता देना भाई, आपको क्या लगता है। फिलहाल को यार चलते हैं अपन लोग ऑफिस में, और काफ़ी ज़्यादा चला ली गाड़ी को, दिखने में काफ़ी ठीक ठाक है, चलाने में भी काफ़ी अच्छी है। तो चलो चलते हैं अपने ऑफिस। और ये बार यहाँ पे अभी जाने के पैसे नहीं है, क्या ही पूछोगे यार तुम, इतनी गरीबी के आलम है, क्या ही करें। तो चलो कर भी क्या सकते हैं, ऑफिस जाएंगे, गाड़ी बेचेंगे, पैसा बनाएंगे। तो चलो भाई लोगों, अपन लोग ऑफिस में आ चुके हैं और गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो फिलहाल को ऑफिस खोल लेते हैं भाई, ताकि कस्टमर वगैरह आने स्टार्ट हो जाएं। और अभी कंप्यूटर पे अपन लोग अपनी गाड़ी को सेल पे लगा देते हैं। और एक सेकंड भाई, ODQ7 का तो नाम भी ख़तरनाक है भाई साहब, और गाड़ी दिखने में भी ख़तरनाक है। कम से कम 25 हज़ार रुपये बनते हैं, और 25 हज़ार में बिक सकती है भाई गाड़ी, जो भी बोलो यार गाड़ी बिक सकती है। बाकी आप लोग बताओ आपको क्या लगता है, 25 हज़ार ज़्यादा तो नहीं लगा दिया अपन लोगों ने भाई? अपन लोग सीधा 150% मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो भाई, 150%। लेकिन जो भी हो अभी तो देखी जाएगी, अगर बिक जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना सस्ते में तो फिर बेचनी पड़ेगी और कोई इलाज भी नहीं अपने पास। और ये कस्टमर वगैरह काम मर गए भाई, अरे आ गए कस्टमर जी। ऐसे यार कस्टमर अपने आए अच्छे हैं भाई, जल्दी आ जाते हैं। और देखते हैं ये मोटू क्या करता है। और क्या भाई, क्या हाल चाल, कितने में? 25 हज़ार रुपये तुझे ज़्यादा लग रहे हैं रामी, 11 हज़ार रुपये। मतलब यार बोलने को कुछ बाकी नहीं है, 10.5 हज़ार रुपये की गाड़ी लेके आए हैं, क्या ही बोले यार, तू निकल यार यहाँ से। ये वाला बंदा सूट बूट वाला अच्छा लग रहा है, कम से कम 20 हज़ार का ऑफर अपने को दे सकता है। 20 हज़ार दे दे बेटे, तेरी मौज हो जाएगी, और इतनी अच्छी गाड़ी कहीं नहीं मिलेगी भाई, बता रहा हूँ तुझे। अभी जल्दी से बता, 25 हज़ार रुपये इसको भी ज़्यादा लग रहे हैं, ये 10 हज़ार रुपये। ये भाई उसका जो भी बोलो सूट बूट में आए, लेकिन भाई साहब ये उसके नीचे काम करता है भाई। भाई बाकी अपने को एक बार गाड़ी रिपेयर और करवानी चाहिए मुझे लगता है यार। तो चलो चलते हैं रिपेयरिंग सेंटर पे, अपन लोग आ चुके थे और इसको रिपेयर कराएंगे भाई। 450 डॉलर, 462 डॉलर लग रहे हैं, तो इतने अपन लोग और दे देते हैं, क्या पता अब ये बिक जाए भाई साहब 25 हज़ार में नहीं, कम से कम 20 हज़ार में बिक जाए तो भी अपने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। और भाई इसको रिपेयर होने में भी टाइम लगने वाला है। तो बाकी ये 300 भी ख़तरनाक है भाई, एक दिन अपन लोग ऐसा ही कोई बड़ा रिपेयरिंग सेंटर भी खोलने वाले हैं, तो फिर अपने पास गाड़ियाँ की कोई कमी नहीं होगी, तो अपन लोग रिपेयर करने के लिए बंदे भी रख लेंगे। और ये जंक यार्ड वगैरह में भी जाके आना था, अरे अभी तक रिपेयर नहीं करी क्या भाई? तो फिलहाल को यार अपन लोग अपनी गाड़ी वगैरह लेके आ चुके थे, और पिछला दिन तो यार गाड़ी को रिपेयर वगैरह कराने में निकल गया और अपने को घाटा भी लग गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आज अपन लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। कम से कम इसको 20 हज़ार में बेच दे तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाने वाला है। और देखते हैं अभी तक कस्टमर वगैरह आए नहीं है, तो अपन लोग स्किल पॉइंट इकट्ठे करने में टाइम व्यतीत कर देते हैं अपना। और एक बार भाई साहब बारगेनिंग वाला ऑप्शन मिल जाए तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। अभी बारगेनिंग कर सकते हैं लेकिन थोड़ी कम कर सकते हैं, जब बेटर वाली मिलेगी ना तब तो सोचो भाई साहब क्या ही कर देंगे अपन लोग, इस गेम में गदर मचा के रख देंगे। और अभी तक कोई नहीं आ रहा भाई, इतनी महंगी थोड़ी है ये, इतनी महंगी रख दी क्या भाई मैंने? तो भाई थोड़ा बहुत इसका प्राइस अपन लोगों ने 25 से घटा के 18 हज़ार रुपये तक रखा हुआ है, और ये फिर आ गया भाई साहब, इसके नीत में नहीं है मुझे पक्का पता। भाई ये ऐसे ही तफरी मारने आ जाता है, इस ये नहीं ले सकता यार गाड़ी, साइकिल वाला बंदा यार, देखते ही पता चल जाता है। और बाकी ये देखो रामी को 9 हज़ार पे आ गया भाई,
अब तक कम से कम $11,000 पे तो आ रहे थे, अभी अपने को ये 12,000 में बेचनी पड़ी। और अबे इसको गुस्सा, इसके भाई साहब मैं इसका सर फोड़ने वाला हूँ भाई, क्या ही करें यार। मतलब 11,000 का ये अपने को पहले दे रहे थे और अभी सिर्फ 9,000 पे आ गया, अब क्या ही कर रहे हो यार, दिमाग खराब हो चुका। ये वाली गाड़ी ने तो परेशान करके रख दिया, 10,500 इसमें भी नहीं मानेगा यार, कमाल हो गए भाई साहब यार। अब मैं क्या ही करूँ यार, इसको ऐसे ही बेच देते हैं, इसमें घाटा लग गया अपने को गाड़ी में यार। छोड़ो भाई, अब ऑप्शन भी क्या अपने पास है बाकी यार, क्या करें यार, मतलब इतना यार दिमाग खराब हो चुका है। फिलहाल को अपन लोग यार ऑक्शन में चलते हैं, देखते हैं कादी गाड़ी वहाँ पे पसंद आ जाए तो। और बाकी यार क्या बोलें, तो बाकी अपन लोग यार अभी टिकट ले लेते हैं, और दो गाड़ियाँ तो आ भी चुकी हैं, तो बाकी दो गाड़ियाँ देखते हैं अपन लोग क्या खरीद सकते हैं। और ये दो वाली गाड़ियाँ तो काफ़ी महंगी गई हैं, 23,000 और 20,000, अपने पास तो 10,000 रुपये हैं भाई, वो भी खींच खाँच के 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो ही। तो बाकी यहाँ पे भी अपने को कोई ढंग की गाड़ी मिली नहीं, तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बता देना, और ये वाला गेम अपने को कंटिन्यू करना चाहिए तो भी बता देना। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू गाइस।